हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर आंसर की 2022 के बारे में, जो कि फ्रेंड्स 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट को यानी कि पेपर वन आपको यहां पर हुआ था, उसका जीके और जीएस का आंसर की आपको यहां पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो कि फ्रेंड्स मेरे पास क्वेश्चन है ग्रुप बी का, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की आंसर की नंबर 3 यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि पहले 2 पेपर हो चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पर हमारा तीसरा वीडियो आ रहा है। तो फ्री कंप्लीट आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूं, ग्रुप बी पेपर 1 का जीके जीएस का आंसर की आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं कंप्लीटली। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको यहां पर अपने आंसरों का मिलान कर सके, आपने सही किया है या फिर गलत किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़े इससे पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको आगे के आंसर की लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जीके का ही आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, वन सेकंड, जिसमें आपको यहाँ पर किसने उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है, यानी कि उदारवादी नेता कौन है, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपिन चंद्रपाल नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पर, आठवां क्वेश्चन पर यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जीके के यहाँ पर अलग क्वेश्चन यहाँ पर दे गए हैं, मैं आपको जीके के क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा जिसमें टोटल क्वेश्चन आए हैं पेपर वन में, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, तब तक यहाँ पर क्वेश्चन का पता कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको केवल जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मंडोर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। दसवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान के कुदरत सिंह हस्तशिल्प के से संबंधित हैं, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, मीना कार्य से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारहवां, जिसमें पूछा गया कि किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दी गई थी, तो कौन सा शासक था। ग्यारहवें आपका यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन से इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स चलते हैं 15वां क्वेश्चन, और इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ष 1961 से 1969 के बीच की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व विवेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं आरपीएससी का, तो मैं आपको बता देता हूँ कालीबंगा से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इसको रट कर जाना है 100% क्वेश्चन आगे के एग्जाम में भी आने वाला है, तो कालीबंगा सभ्यता को जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है। तो इसका जो 15वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, बीबी लाल, ठीक है, उत्खनन करता बीबी लाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 16वां क्वेश्चन है, जिसमें मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, किसको बनाया गया था मत्स्य संघ का राज प्रमुख, तो यह धौलपुर के शासक को बनाया गया था। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धौलपुर का शासक कौन था, या फिर उसका प्रॉपर नाम भी पूछा जा सकता है, इसका आपको ध्यान में रखना है, पढ़कर आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पूछा गया कि 18वां क्वेश्चन है इसका सेकंड, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, बहुत आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया, कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 19वें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बात करते हैं 22वां, जिसमें यहाँ पर वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, वंश भास्कर के लेखक कौन है, तो 23 में आप यहाँ पर सेकेंड सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो जीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो बीएसटीसी के एग्जाम में आए हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और शासक का यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर करौली का शासक पूछा गया है, तो करौली का शासक कौन था, तो 25वें में आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन महाराजा मदन पाल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आ जाते हैं 36वां, डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 36वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि राजस्थान के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही
सही का उत्तर आपको यहाँ पर चयन करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, लोकसभा के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो 36वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सी है ए और सी, ठीक है, ए और सी तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राष्ट्रपति के निशस्त्राधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी फिलहाल इसका आंसर मुझे प्रॉपर रूप से नहीं मिला है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 38वां क्वेश्चन, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, BSKW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट 39वें क्वेश्चन में पूछा गया कि राजस्थान विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर BSTC में आया हुआ है, BSTC में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है। तो ऑप्शन वहां पर बड़ला दिया गया था, तो बड़ला बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत कम को पता होता है, तो इसलिए उनको नहीं आया था बहुत सारे को, ठीक है। तो कहाँ बड़ला कहाँ पर पड़ता है हमारा, कहाँ पड़ता है, कहाँ पर है जल्दी बताइए, यहाँ पर आपका जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BSTC में अभी के एग्जाम में। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है। तो फिलहाल इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, 41 में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उर्वरक गड़ेपान, बाकी के यहाँ पर सोडियम सल्फेट डीडवाना में है, कांच ग्लास यहाँ पर कांच धौलपुर में है, उर्वरक गड़ेपान में नहीं है, वाटर मीटर भिवाड़ी में है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मंकी पॉक्स वायरस के लिए कानून की जांच के लिए प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ पर बनाई गई थी। तो इसका जो प्रॉपर रूप से राइट आंसर नहीं मिला है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जीके के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, ठीक है, कंप्लीट, और यहाँ पर रीजनिंग के भी, सो फ्रेंड्स आपको मैथ के भी नेक्स्ट वीडियो में ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट यहाँ पर 46वां, ठीक है, 46वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का सौर पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया गया था, कौन सी कंपनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा, सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हो जाएगा HEJOL, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायता की कंपनी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, जो कि जनसंख्या से हर एक प्रकार के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जनसंख्या 2011 की जनसंख्या को भी आपको रट के जाना है। पूछा गया है कि लिंगानुपात किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, जिसमें पूछा गया कि चौथे खेलो इंडिया यूथ में राजस्थान ने कितने कुल पदक जीते, राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर सेकंड 34 पद इन्होंने यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट हम यहाँ पर 52वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है, तो कौन सी अनुसूची में है, 52वां क्वेश्चन है। तो इसका आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर अनुसूची में इसका आपका यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, तो तीसरा का यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से यह होने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बता देना आंसर क्या है, ठीक है, मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अग्नि 4 क्या है, इसका हाल में भारत ने परीक्षण किया है। तो इसका भी यहाँ पर जो आंसर है वो मैं आपको बता ही देता हूँ, क्या आंसर है 53 में, ठीक है। तो 53 में आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फ्रेंड से हमारा यहाँ पर 69 है, ठीक है। इसके बाद 69वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आ गया है भारत का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है, तो कौन होता है फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर इसका होता है वित्त आयोग होता है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फ्रेंड्स से बात करते हैं 61वां क्वेश्चन में है, पूछा गया है कि कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी।
तो 61 में आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा शिक्षा वाणी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां, जिसमें पूछा गया है कि मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है, यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? रामगढ़ विषधारी किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कौन सा है, बूंदी में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जो कि प्रिंट 69 है, जनसंख्या का फिर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी का कितना है और ग्रामीण का कितना है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कितना होगा 69 में आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या होगा 24.9% और यहाँ पर 75.1% आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर 71 का क्वेश्चन है, ठीक है। 71 में आपको यहाँ पर पूछाएंगे कि हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है, यानी कि राजस्थान का राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान आया है? तो 61 में आपका यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा, दूसरा है, ठीक है, 71 में दूसरा है। इसके बाद बात करते हैं 72 में, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़े पाई जाती हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स 74वां, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है, तो कौन सी बनाती है, चंबल बेसिन बनाती है। और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसका मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा कंप्लीटली आंसर। तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और आपको ये बताना कमेंट में ये जरूर बताना है कि आप मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं आंसर बताए उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।